So the next feature which we are going to do is ALT plus ENTER. Basically, suppose I have written a word, written a text string which consists of two words, Shivangee Agarwal, and beech mein space hai. Toh mujhe kya karna hai? Mujhe Agarwal ko next line mein bhejna hai, being it in the same cell. Basically, hume wrap text wala function use karna hai yahan pe, and mujhe ye Agarwal, mujhe isko niche bhejna hai, keeping the cell width same. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल. सपोज़ आई शो यू, यहाँ पे आई हैव रिटन शिवांगी, स्पेस दिया मैंने अग्रवाल, एंड मुझे क्या करना है, मुझे ये पर्टिकुलर, मुझे ये इसी सेल में चाहिए सो दैट इट डज़ नॉट क्रॉस या फिर ओवरलैप्स अदर सेल्स. तो इसके लिए मुझे क्या करना है, आई विल डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सेल, ताकि यहाँ पर मेरा ये क्या आ गया, कर्सर आ गया. कर्सर को मुझे बीच में ही लेके आना है, एंड फिर यहाँ पे मुझे ऑल्ट प्लस एंटर क्लिक करना है. एंड ऑल्ट प्लस एंटर क्लिक करते ही देखो क्या हुआ, इट केम डाउन टू द, एक्चुअली हुआ क्या, ये रैप टेक्स्ट का फीचर यहाँ पे अप्लाई हो गया, जहाँ पे मेरा पूरा जो वर्ड है, पूरा जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है, वो इस पर्टिकुलर सेल में ही फिट होगा. द सेल विथ हैजंट इंक्रीज्ड, ओनली इट हैज़ ओनली द लेंथ ऑफ द सेल हैज़ इंक्रीज्ड बेसिकली. तो ये हमने क्या देखा कि कैसे हम ऑल्ट एंटर यूज़ करके एक पर्टिकुलर सेल को हम ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं. नाउ देयर इज़ वन अनदर थिंग विच यू कैन डू इज़, शिवांगी अग्रवाल मैंने लिखा इधर, एंड इंस्टेड ऑफ ऑल्ट एंटर आई कुड हैव यूज्ड होम टैब रैप टेक्स्ट, एंड आई कुड हैव गॉट द सेम सोल्यूशन. सो इंस्टेड ऑफ रैप टेक्स्ट आई कैन यूज ऑल्ट एंटर, और या फिर ऑल्ट एंटर के बदले आई कुड यूज रैप टेक्स्ट. रिमेंबर व्हेन यू आर यूजिंग ऑल्ट एंटर, हमेशा कर्सर को वर्ड्स के बीच में लेके जाना है, अपने स्पेस में लेके जाना है, एंड वहाँ पे ऑल्ट एंटर क्लिक करना है. इफ़ यू मेक इट, लेट्स सपोज इफ यू टेक योर कर्सर एट द एंड एंड देन यू क्लिक ऑल्ट एंटर, तो इससे कुछ होगा नहीं, your cursor will come to the next row. Isse acha we'll just click the cursor in between the two words and we'll click alt enter.